कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच आऊं, आपको भी पता है। लेकिन आपके दादा ने बोला था वो बात, आज आपको मैं दोबारा से दोहरा दूं कि मैंने हर गली में हर घर में सुखदेव सिंह पाला है। तो क्या वो सुखदेव सिंह तैयार है? क्योंकि मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है, दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों के भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही। मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकती, मतलब मेरे ऊपर क्या भी थी मैं बयान नहीं कर सकती आपसे। पर मैं मेरे भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि भाइयों, जितनी मांगे मानी है ठीक है, लेकिन एक मांग मेरी भी है जो आप लोगों को मंगवानी है, जो आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है। ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको लड़ना नहीं है। सुखदेव सिंह ने हमेशा सुखदेव सिंह ने कभी लैटरों पे अपना वो नहीं लिया, कभी भी आश्वासन नहीं लिया। सुखदेव सिंह ने ताल ठोक के अपना काम करवाया है। वैसे ही आप लोग सुखदेव सिंह हो, आपको ताल ठोकनी है अपनी इस बहन के लिए। ये छोड़ी मेरी आज खाली है, आप लोगों को भरनी है, और उन लोगों की मौत के साथ ही मेरी ये झोली भरेगी। अब आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप जब तक नहीं लोगे, जब तक ये आंदोलन पूरा ना हो, उधर भी कर सकते हैं, मेरा साथ देना पड़ेगा आपको। एक मिनट रुकना, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। ये दादा क्या बन रहा है? आप लोगों को पता है कि धरना प्रदर्शन करना हमारी है, लेकिन ये धरना तब तक आपको खारिज नहीं करना है जब तक ये हमारी मांगे पूरी ना हो। क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी बहुत भगा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन, तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दी। देखना न पड़ता, न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। इस ने दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी ये अपील रहेगी कि प्लीज जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाए, आप कहीं भी मत लीजिएगा। और मैं ये कहती हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजपूतों का आह्वान करती हूँ मैं, भाइयों पधारो। एक बहन ने तुम्हें पुकारा है, जब जब बहन ने पुकारा है तो रसी का बंधन का उसका कुछ पारा पड़ेगा। मेरे बंधन को आप लोगों को तोड़ना जितनी मांगे अपनी मान ली, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक मांग मेरी माननी है। जब तक कि उस सारे कट्टर आपके दादा हमेशा एक 35 आज मैं भी कहती हूँ 35 काम जिंदाबाद। तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी लेना। तुम्हारे दादा की प्यार की शेरणी हूँ मैं, उसी की शेरणी हूँ, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है? निशाना बना है, कल आप में से या मेरे में से भी बढ़ सकता है, इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं। सारी कौम है।